हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोहरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने मतलब वीडियो आप लोगों को एक अभी जिसने मतलब पिछले दिनों में हमने बताया था, उसमें आप लोगों को हमने शून्य कोट की अभिक्रिया बताई। शून्य कोट की अभिक्रिया बताई थी क्या होती है, उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे और भी हमने एग्जाम्पल तीन चार एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद में हमने शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण बताया था, ठीक है। फिर उसका थोड़ा सा हमने प्रूफ डेरिवेशन किया था, पूरा डेरिवेशन आ गया था। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि अच्छा समझ में आया होगा, मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण बताऊँगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती पहले मैं ये समझाऊँगा, ठीक है। तब धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाले दिनों में जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें ये जो दो टाइप की हमारे पास अभिक्रियाएँ हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो हमारे पास है, वो बिल्कुल उसमें से एक आना है। एक उसका प्रूफ आएगा और एक प्रूफ पे, उस प्रूफ पे एक न्यूमेरिकल भी आएगा, या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया पे आएगा या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे आएगा, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धकाल पे ये आना है, श्योर निश्चित आएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात तो है, उबाल लाओ, ठीक है, उबाल अपने अंदर लाओ, मतलब ब्लड तुम्हारा इतना उबाल आना चाहिए, ब्लड के अंदर इतनी उबाल लाओ कि सफलता जो तुम्हारी है वो शोर मचा दे। एक बार सिर्फ उबाल तो लाओ, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में उबाल लाइए। आप लोग लड़ाई दंगों के क्षेत्र में बहुत सा उबाल लाते हैं, ठीक है, आए दिन मारपीट ये सब हुआ करती है, ये मत करिए, ठीक है। पढ़ाई में करो, मारपीट जितनी करना है कंपटीशन करो कस के तुम्हें, ठीक है। तो इधर देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। तो इधर देखिए, हाँ, सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। शेयर तो करो, ठीक है, शेयर करने से थोड़ा सा मतलब आप लोग परेशान हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, तो मैं आज आप लोगों को वीडियो नंबर टू, मतलब हमारा लेक्चर नंबर जो टू होगा, लेक्चर नंबर टू, ये लेसन जो हमारे पास पार्ट होगा, लेसन नंबर चार दिया है। क्लास जो हमारे पास होगा वो टोयल, क्लास हमारे पास कौन, टोयल, ठीक है। ये लेक्चर नंबर फोर होगा हमारे पास, क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर नंबर टू, लेसन नंबर फोर है। वो इस लेसन का नाम था हमारे पास रासायनिक बलगतिकी, क्या नाम था, रासायनिक बलगतिकी ये लेसन होगा। इसमें हमने शून्य कोट की आपको अभिक्रिया हमने बताई थी। अब मैं आपको बताऊंगा प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा आती है ये अभिक्रिया, ठीक है। ये हो सकता है तुमको बोर्ड में मिल जाए, या कंपटीशन आईआईटी करते हो उसमें मिल जाए, नीट करते हो उसमें मिल जाएगी, आप लोगों को एआई ट्रिपल ई में मिल जाएगी, इन सब में आपको मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो कंपटीशन नहीं करते, बेटा कंपटीशन करो, हम तो कहते हैं मैदान में आओ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मैदान में आइए आप लोगों को, पीछे से कुछ नहीं होता है, ठीक, सीधे मैदान में आओ, कंपटीशन करो, वो बेटर रहता है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इधर चलते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या बताया हमने, प्रथम कोट की ये अभिक्रिया हो गई हमारे पास, ये तुम्हें प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये तुमको बताना है सबसे पहले ये होती क्या। हमने बताया था शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है, यही तो हमने बताया था, जो अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की जो कोट होती है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें तुमको क्या करना है, इसमें सिर्फ तुमको जीरो की जगह पे जहाँ पे तुमने शून्य लिखा था वहाँ पे तुमको एक लिखना है, प्रथम घात के समानुपाती होती है, जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो प्रथम घात के समानुपाती होती है, तुमको ये कहना। उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया तो शून्य घात के समानुपाती, इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो प्रथम घात के समानुपाती। मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन दी गई है, ये मान लो R tends to P, R मतलब हमने तुमको बताया था अभिकारक, R मतलब क्या बताया था,
अभिकारक, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और पी मतलब हमने क्या बताया था, उत्पाद, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इसको कहते हैं। ये हमने रिएक्शन बताई थी। यहाँ पे तुम्हारे पास उसमें तुमने लिखा था, उसमें तुमने लिखा था जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुमने लिखा था, या तुमने लिखा था डी आर बटा डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितना लिखा था तुमने, जीरो, ये लिखा था तुमने। यहाँ पे तुमको सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ पे तुमको सिर्फ कितना कर देना है, वन। वहाँ पे अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती थी, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, डी आर, डी आर बटा कितना, डी टी इज इक्वल टू हमारे पास ये के और ये आर हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। अब तुमको करना क्या है, समाकलित समीकरण लिखना है। ये इतनी चीज समझ में आई थी, देखो अब समाकलित समीकरण तुमको लिखना है। तो देखो समाकलित समीकरण लिखेंगे कैसे बेटा, बहुत सरल है समाकलित समीकरण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, अभिक्रिया का समा, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, ऐसे लिख लेना, उसमें भी लिखा था निम्न प्रकार है, ठीक। तो अभिक्रिया हमारे पास जैसे मान लो दी है आर से कहाँ तक दी, हमें पी तक दी, या एक्स से पी तक लिख लेना, या आर से पी तक, मान लो चलो एक्स से पी तक कुछ भी लिख सकते हो, या आर से पी तक लिख लेना, या एक्स से पी तक लिख लेना, या ए से पी तक लिख लेना, या बी से पी तक लिख लेना, या जेड से पी तक लिख लेना, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कोई प्रॉब्लम में रहिएगा। चलो इधर देखो, ये अभिक्रिया हमने ले लिया, इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लें, मान लो प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास टी बराबर कितनी हो गई, जीरो। इस जीरो पे हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना, मान लो हमारे पास प्रोडक्ट ए बना हमारे पास, या प्रोडक्ट हमारे पास मान लो कितना बना, जीरो। जब जीरो समय पर प्रोडक्ट कितना बनेगा, जीरो बनेगा ना, मान लिया हमने जीरो बन गया हमारे पास, ठीक है। मान लो कुछ हमने क्या ले लिया, कुछ समय ले लिया हमने, ठीक है, इधर कुछ मान लो टी बराबर टी समय पर, ये हमारे पास अंतिम सांद्रता हो गई, क्या हो गई, अंतिम सांद्रता हो गई। या हमारे पास मान लो कोई प्रोडक्ट जितना था उतने बचेगा, मतलब मान लो एक्स ही बचा हमारे पास, ठीक है, या एक मान लो ए बचा हमारे पास, टी इज इक्वल टू जीरो समय पर जीरो हो गया हमारे पास, या ए हो गया कुछ मान लो हो गया, ठीक है, या मान लो हमारे पास जीरो बचा, ये इतना मान लो जीरो बना, जीरो, ठीक है। अंतिम समय, अंतिम समय मतलब टी बराबर टी समय, मतलब कुछ समय हमने मान लिया, तब ये हमारे पास इसमें से कुछ घट जाएगा ना, मान लो हमारे पास ए में से कुछ एक्स घट गया, ठीक है। पहले मान लो ए में से कुछ क्या हो गया हमारे पास, ए में से कुछ घट गया, इतना मान लो ए में से कुछ क्या गया हमने, घटा दिया, ठीक है। तब ये, तब हम लगाएंगे दर समीकरण, सीधे क्या लगाएंगे, दर समीकरण, दर समीकरण लगाएंगे। हमने बताया था दर समीकरण क्या होता है, माइनस या डीएक्स बटा डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी मान ले, ए माइनस एक्स मान लिया, अभिकारक जो हमारे पास प्रोडक्ट बना ए माइनस एक्स पावर कितना, वन हो गया हमारे पास। तो ये हो गया डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू हमारे पास कितना, ए, ए माइनस एक्स, और किसी पावर जी, वन का मतलब वन होता हमारे पास। अब एक चीज देखो, ये उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो डी एक्स बटा ए माइनस एक्स बराबर का कितना के, और ये डी टी हमारे पास हो गया के डी टी। ये समीकरण जो एक हो गया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण हो गया हमारे पास, क्या हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। देखो बेटा, अब इस समीकरण को हम समाकलन कर लेते हैं, लिख लेना समीकरण एक का, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन, समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, एक मिनट थोड़ा सा, समीकरण एक का जो है वो समाकलन कर देंगे,
समीकरण जो एक हमारे पास दी गई है उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे उबाल लाओ कुएं में उबाल ला दो कि मेहनत सफलता शोर मचा दे, इतना उबाल ला दो। इधर देखो समाकलन कर दीजिए आप समीकरण एक का। समीकरण एक लिख लें हम dx बटा a माइनस x, dx बटा a माइनस x इक्वल टू के dt। इसमें हम ये समाकलन का निशान लगा लिया ऐसे। अब देखो ये समाकलन हमने कुछ दिन तुमको बताया था, जब समाकलन हमारा ये dx होता तब इसका x होता है, जब हमारे पास समाकलन dA होता तब इसका a होता। अब हमारे पास एक बटा है तो एक बटा x dx ये समाकलन ये हमारे पास हो जाएगा x, या x कह लीजिए या x की पावर 1 कह लीजिए हमारे पास, ठीक है। ऐसे कितना होता है इसका log x हमारे पास ये होता है। अब हमारे पास दिया कितना a माइनस x दिया, तो log देखो ये दिया हमारे पास log 1 या dx बटा a माइनस x दिया, तो इसका हो जाएगा log a माइनस x इंटू में x का करेंगे तो x का तो 1 ही हमारे पास आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसका हमने किया तो कितना हो गया log ऐसे लिख लेना log a माइनस x इक्वल टू के और dt का हो गया हमारे पास t, और प्लस का एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं समाकलन स्थिरांक, क्या बोलते हैं समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे c की वैल्यू जब निकालेंगे तो लिख देंगे हम x इक्वल टू जीरो, तब t इक्वल टू हमारे पास जीरो हो गया, ठीक है। दोनों वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। तब देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दोनों वैल्यू हम किस में पुट कर दें, समीकरण मान लो दो में हम पुट कर दें, तो लिख लेना समीकरण दो में x और t के मान रखने पर, ये सार तरीका है, रखने पर ये हो गया log a बचा इक्वल टू में बचा k इंटू में जीरो, यानी कि k जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस का कितना c, इतना हो गया हमारे पास, ये इतनी चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे रख लिया तो जीरो का मतलब सब जीरो हो जाएगा, तो c का मान इसमें रख दो। अब c का मान जो हो गया वो समीकरण किस में रख दें, सीधे समीकरण दो में रख दीजिए, तो c का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रख दीजिए, ये बचेगा हमारे पास log a माइनस x इक्वल टू के टी, और प्लस का हमारे पास ये हो जाएगा log a, इतना हो गया। अब log एक पास ले आइए, तो log a माइनस x इक्वल टू के टी हो गया हमारे पास, के टी या माइनस का कर लीजिए, माइनस का log a इक्वल टू में कितना के टी, ये हमारे पास देखो इतना हो गया के टी, ठीक है। अब ये सब सीधे सही से रख लेंगे इसको। एक चीज़ देखो, हमने एक चीज़ तुमको बताई थी, एक चीज़ हमने इधर देखो, एक ये हमारे पास होता है log, ये सही से लिख लेना फार्मूला होता है log m बटा n, ये होता है log m माइनस log n, ये होता है एक हमारे पास फार्मूला होता है log m इंटू यस, तो ये हमारे पास बन जाता है log m प्लस log n, ये बन जाता है, ये दो फार्मूले बन जाते हैं। तुमको फार्मूला कौन सा लगाना है, ये ऊपर वाला, देखो हमारे पास log m माइनस log n, log m ये इसको सही फॉर्म में पहले लिख लें तो सही फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा, या एक चीज़ समझ लो, देखो ये हमारे पास सही फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे एक या तो माइनस लगा लीजिए, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब समाकलन एक्स का करेंगे तो माइनस एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारे पास, जब माइनस का कर दो, ये माइनस था ये माइनस, तो इधर भी माइनस जाएगा हमारे पास, ये भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस होगा ऑलरेडी, तो ये माइनस जब हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, ये माइनस उठा करके कहाँ कर देंगे, ये माइनस उठा करके इधर ले आएंगे, तब ये इसमें माइनस का log a हो जाएगा, माइनस का log a जब इधर हो जाएगा, जब माइनस का log a इधर हो जाएगा तब थोड़ा सा हम बना लेंगे, इधर रखी थी जहाँ पे माइनस था हमने रखा, तो माइनस का log a हो गया c का मान,
तो माइनस का ए हमने लाग ए रख दिया, जब माइनस की तो माइनस का इधर लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस ऑलरेडी इस वाले में ये वाला लगा है ऑलरेडी माइनस, तो ये माइनस का ए माइनस एक्स होगा, माइनस का लाग ए माइनस एक्स, प्लस का जब इधर लाएंगे प्लस का लाग ए, तो प्लस की वैल्यू पहले माइनस की वैल्यू बाद में हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया के टी, अब हमारे पास लाग ए माइनस लाग यानी कि लाग एम माइनस लाग एन फार्मूला बन गया, नहीं बन गया फार्मूला बन गया ना, लाग एम माइनस लाग एन फार्मूला बना, अब वो वाला फार्मूला लगा दीजिए लाग एम अपन एन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास लाग एम बटा एन फार्मूला लगाएंगे तो ए बटा ए माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू में कितना, ये के टी हमारे पास हो गया। अब इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए के टू इक्वल टू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। अच्छा एक चीज़, ये एक्सपोनेंशियल में वैल्यू हमारे पास दी है, जब एक्सपोनेंशियल को हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे लॉग ई इक्वल टू होता है 2.303 इंटू में लॉग बेस 10, ये लॉग ई इक्वल टू हमारे पास होता है, तो लॉग ई की जगह पे इतनी वैल्यू हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू 2.303 इंटू में लॉग 10 और ए अपान में ए माइनस एक्स, ये जो ठीक, ये के इक्वल टू 2.303 बटा टी इंटू में लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आ गई यही हमारे पास क्या हो गई, समाकलित समीकरण, समाकलित क्या हो गया हमारे पास, समीकरण हो गया ये जो वैल्यू, जहाँ जहाँ हमारे पास एक मिनट, जहाँ के इक्वल टू जो हुआ वो क्या हुआ, स्थिरांक क्या हुआ, स्थिरांक हुआ, जहाँ ए इक्वल टू हुआ प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ये ए माइनस एक्स जो हमारे पास हो गया एक्स, एक्स मान लीजिएगा, या अंतिम सांद्रता ए मान लीजिएगा ये, ठीक है, या जो हमारे पास यक्ष थी वो प्रारंभिक मान लेना, ए मान लेना अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता मान लेना, ठीक है, ये इतनी चीज़, ये हमारे पास जो हो गया वो समाकलित क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है। ये हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, थोड़ा सा देखो एक बार फिर से हम समझा देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे वीडियो को, जो आप लोग नए देख रहे हैं, जो हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन जो घंटा पड़ो उसमें होता है वो जरूर बजाएं, ठीक है। इधर देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, सांद्रता x टेंड्स टू p हमने मान लिया, ये प्रथम प्रारंभिक सांद्रता t इक्वल टू 0 पर मान लो हमारे पास प्रोडक्ट जो था उतना ही रहेगा ना, 0 या मान लो x हमारे पास जो है वो x ही रहेगा, इतनी चीज़ मान लीजिए, ठीक है, या a मान लो कोई हमारे पास सांद्रता a हो गया तो a ही रहेगा, ठीक है, इतना रहा हमारे पास, तो अंतिम समय t यानी कि t इक्वल टू t समय पर हमने कुछ समय मान लिया तब a माइनस एक्स प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, a में से हमने कुछ घटा दिया ऐसे मान लो, ठीक है, a में से हमने क्या किया कुछ घटा दिया, दर समीकरण हमने लगा दिया, जो वेग समीकरण होता है या दर समीकरण कह लीजिए, माइनस डी एक्स बटा डी टी ग्रेटर आर इक्वल टू, मतलब एक माइनस एक्स पावर वन हो गया हमारे पास, माइनस डी एक्स बटा डी टी के एक माइनस एक्स पावर वन हो गया, ये हमारे पास माइनस लग गया इधर हमने ले लिया ये समीकरण, ये जो हमारे पास बन गया यही हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को क्या करना है, समाकलन करना, इस समीकरण का क्या करना है, समाकलन करना, तो इस समीकरण का समाकलन हमने इस तरीके से किया है जो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट तो ज़रूर करें, अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब तो पहले करें, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, तो लगातार बने रहिए हमारे वीडियो पर, ठीक है, लगातार आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे और यूपी बोर्ड की तैयारी होती रहेगी, ठीक है। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, बस जय हिंद जय भारत।